तो वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी अपने चरम पर है। शहर शहर और गांव गांव प्रदूषण की चपेट में हैं, लिहाजा प्रशासन की ओर से भी सख्ती बढ़ती जा रही है। महाराजगंज में पराली जलाने वाले बड़े किसानों पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन की टीम ने पराली जलाने वाले किसानों पर 8 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। साथ ही किसानों को हिदायत भी दी गई है कि अगर उन्होंने दोबारा पराली जलाया तो जेल में भी बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। महाराजगंज में पराली जलाने का एक्शन, 250 किसानों पर 8,50,000 रुपए का जुर्माना, 5 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस, 3 ADO के वेतन पर लगाई गई रोक। प्रदूषण बढ़ने के साथ प्रशासन भी एक्शन में। महाराजगंज में पराली जलाने वाले किसानों के साथ साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद न सिर्फ किसान बल्कि अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है, जिसका असर है कि अब अधिकारी खेत पे जाकर किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं, पराली नहीं जलाने को लेकर हिदायत भी दे रहे हैं। जुर्माना है 30,000 अधिकतम, एक बार जलाने पे, दूसरी बार जलाओगे तो फिर यही दुगना हो जाएगा और FIR अलग से होगी। किसानों से साफ साफ कहा जा रहा है कि पराली जलाने पर 30,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है और दोबारा ऐसा करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एक बार फिर सुनिए कि किसानों को किस तरह पराली जलाने और कंबाइन मशीन चलाने पर कार्रवाई की हिदायत दी जा रही है। जुर्माना है 30,000 अधिकतम, एक बार जलाने पे, दूसरी बार जलाओगे तो फिर यही दुगना हो जाएगा और FIR अलग से होगी। अब पकड़ पकड़ के थानों में बंद की जाएंगे जो भी जलाएगा और जो भी बिना SMS के मशीन चलाएगा, कंबाइन मशीन, उसकी मशीन सीज कर दी जाएगी। महाराजगंज में पराली जलाते हुए पकड़े गए 250 किसानों पर कृषि विभाग और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की और जुर्माने के तौर पर 8.5 लाख रुपए की वसूली की है। वहीं बिना सुपर SMS के चलाए जा रहे कंबाइन मशीनों को भी सीज किया गया है। इतना ही नहीं, काम में लापरवाही बरतने पर DM ने 5 लेखपाल को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं 3 सहायक विकास अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। पराली जलाने पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद एक तरफ किसान और दूसरी तरफ अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। आम तौर पर पराली जलाने पर किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाता है। पराली जलाना एक पर्यावरणीय अपराध माना जाता है और इससे प्रदूषण फैलता है। कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून भी बनाए हैं, जिससे कि पराली को जलने से रोका जा सके। इसी क्रम में महाराजगंज जिला प्रशासन द्वारा अब तक 250 किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ लगभग 8,50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता कम होती है, यह जानते हुए भी कुछ किसान पराली को जला देते हैं, जबकि पराली को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, इससे फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा किसानों को पराली की वैकल्पिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, सब्सिडी दी जाती है, गांव-गांव में पराली न जलाने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। कार्रवाई के बाद महाराजगंज में किसान और प्रशासन की टीम सतर्क है, पर कई जिलों में प्रतिबंध के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। सीतापुर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां सदर तहसील के अशरफपुर में प्रतिबंध के बावजूद किसान पराली जलाते नजर आए। धुएं से लोग परेशान हैं, पर किसान मजबूरी बताकर खेतों में पराली जलाते रहे, पर उम्मीद है कि अब प्रशासन की सक्रियता के बाद ऐसी तस्वीर शायद सामने न आए। हालांकि पराली के मामले में औरैया जिला में प्रशासन ने पहले से ही सक्रियता बढ़ा दी है, जहां DM ने किसानों को पराली के बदले कंपोस्ट खाद का ऑफर दिया। जिले के किसानों को ऑफर दिया गया है कि वो नजदीक के गौशाला में पराली पहुंचाए, उसके बदले किसान को गोबर की खाद दी जाएगी। 2 ट्रॉली पराली पहुंचाने पर किसानों को 1 ट्रॉली गोबर की खाद मिलेगी। इससे कई फायदे होंगे। पहला लाभ, किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, पराली से प्रदूषण नहीं होगा। और तीसरा, किसानों को पराली के बदले गौशाला से 1 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर की खाद भी मिलेगी। कंपोस्ट खाद से खेती के जरिए केमिकल वाली खाद की फसलों से मुक्ति भी मिलेगी। वहीं गौशाला में पराली से तैयार भूसा गौवंश के लिए चारा के काम आएगा। पराली जलाना एक कहते हैं पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी समस्या, तो यहाँ हम लोगों ने किसानों से बात करके और अपनी गौशालाओं को हम लोगों ने गाँव वाइज लिंकेज किया है और किसानों से अपील की है कि अगर 2 ट्राली वो पराली हमारे यहाँ गौशाला में पहुँचाते हैं तो गौशाला जो देख रहे हैं प्रधान या और लोग, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि 1 ट्राली उन्हें गोबर की खाद फ्री ऑफ कास्ट दी जाए। तो इससे काफ़ी किसान पराली लेके आ रहे हैं और गोबर की खाद का डिस्पोजल भी हो जा रहा है, बस पराली जलाने के समस्या।
यानी एक तरफ शुरू से ही प्रशासन सक्रिय रहा तो किसानों के सामने पराली जलाने की नौबत नहीं आई, तो वहीं दूसरी ओर जहां प्रशासन ने सक्रियता दिखाने में देरी की वहां से पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके लिए प्रशासन को सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। पर यह सबको समझना पड़ेगा कि पराली जलाना समाधान नहीं है, इसका धुआं उन किसानों के परिवार को भी नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरी ओर अगर प्रशासन की नजर पड़ी तो आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लापरवाह कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्र में किसानों को जागरूक नहीं किया गया और वहां पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आई, ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। जनपद के 5 लेखपालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, साथ ही कृषि विभाग के 3 सहायक विकास अधिकारियों का वेतन भी बाधित कर दिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब पराली जलने पर पूर्ण रूप से अंकुश लग पाएगा या फिर इसी तरह नियमों को अनदेखा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होती रहेगी। ब्रजेंद्र पांडे।